देख रहे हैं एमबीसी 24 न्यूज़ एक्सप्रेस, मैं सीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आमरण अनशन का 13वां दिन प्रारंभ। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की 13वीं मनाएंगे बिजली के ठेकेदार। हमारे संवाददाता द्वारा प्राप्त जानकारी पर जनार्दन प्रताप सिंह दुबे, अध्यक्ष मध्य भारत विद्युत ठेकेदार संगठन जबलपुर, ने बताया कि अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई जिंदा रहे या मरे। मध्य भारत विद्युत ठेकेदार संगठन के समस्त ठेकेदार एवं अन्य संगठन के ठेकेदार शक्ति भवन के प्रांगण में दिनांक 21 नवंबर 2021 से लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। ठेकेदार संगठन का आरोप है कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों का भुगतान अभी तक मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 3 वर्षों से नहीं किया है। 3 दिसंबर 2021 को दोपहर 2 बजे शक्ति भवन के मुख्य द्वार के सामने इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों का पुतला दहन करेंगे। एमपीसीजी 24 न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव के साथ छायाकार शिवानी बैन की रिपोर्ट। आपको अभी तक हमारे ये आज 12वां दिन खत्म हो जाएगा। हम लोगों ने लगातार प्रयास किया, पत्र लगातार अंदर पहुंचा रहे हैं और फोन से भी बात करने का हमने प्रयास किया, लेकिन कोई हमें किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिल रही है। और हमने वर्तमान में प्रभारी MD DK छत्री जी के मोबाइल पर भी कॉल किया था, उन्होंने हमारा फोन पिक नहीं किया। तो इस प्रकार से हमें बिल्कुल नेगलेक्ट किया जा रहा है और जो मतलब एक बड़े आंदोलन की तरफ हम लोगों को बढ़ने के लिए विवश किया जा रहा है और आने वाले समय में हम ऐसा ही करेंगे। कल आपकी क्या योजना है, कल आप क्या करना चाहेंगे इसके लिए? कल हम इन भ्रष्ट अधिकारियों का पुतला दहन करेंगे और इसके साथ ही हम यहाँ पे भोज का आयोजन करेंगे, कुत्ते भोज का आयोजन करेंगे। मानवता तो अब लोगों के अंदर ख़त्म हो चुकी है, तो अब यही है। हालांकि कुत्ता भी एक ऐसा प्राणी है जो बहुत वफादार प्राणी होता है, इनसे अच्छा तो वो कुत्ते होते हैं। हम कुत्ता भोज का आयोजन करेंगे भाई, कल हम इनकी 13वीं मनाएंगे। जो स्थितियां बन रही हैं भाई, हम लोगों को तो मृत्यु के कगार पर पहुंचा दिया इन लोगों ने। कई लोगों के घर में ताले लग चुके हैं, नीलाम हो चुके हैं, कईयों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो रहा है। और सरकार का ये एक विभाग अन्य सरकार के 27 विभाग की ऐसी तैसी करके रख दिया है भाई। जब ये पैसा नहीं देंगे तो दूसरे में पैसा कहाँ से जाएगा भाई? पैसा तो यहाँ से आया तो हम दूसरे विभागों में जमा करेंगे, लेबरों का भुगतान करेंगे, जहाँ से मटेरियल खरीदा है उनको पैसा देंगे। ये सोचते हैं कि पैसा आता है तो सिर्फ एक आदमी के पास चला जाता है। अरे भाई, जब पैसा आता है तो कई लोगों पे बंटता है। कोई भी ठेकेदार इतना बड़ा नहीं है, यहाँ पे पूरा पैसा बांट देता है। आपका नाम? जनार्दन प्रताप सिंह दुबे। क्या करना चाहते हैं आप उग्र आंदोलन के तहत? आज हमारे अनशन का 12वां दिन है, हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से अनशन पे बैठे हुए हैं, मगर जो भ्रष्ट अधिकारी जो शक्ति भवन में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने अभी तक हमारी कोई सुध नहीं दिया है। इतनी ठंडी में तेंदुए के डर के बीच में हम लोग रह रहे हैं, तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि अब भगवान को सदबुद्धि दें और कल हम उन लोगों को मृत समझ के कल उनका अर्थी जुलूस निकालेंगे और हम लोग उनका कल पुतला दहन करेंगे। साथ में हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ संस्कार होते हैं, 16 संस्कार में एक लास्ट का संस्कार ये होता है 13वीं वाला, तो हम जो अधिकारी जिनको सद्बुद्धि नहीं है उनके लिए सद्बुद्धि और अब हम उनको मृत सोचते हुए उनकी 13वीं का कार्यक्रम भी करेंगे और हम लोग कुत्तों को भोज कराएंगे। और कुत्ते का वैसे नाम तो नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो तो बहुत ईमानदार और वफादार होता है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि कुत्ते खा के कुत्ते उनको सद्बुद्धि के लिए कुछ सोचे, और इसी टाइप का हम लोग सोचे हैं। और अब हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। जहाँ तक कि हमें अंदर से ये जानकारी भी मिल रही है कि ठंड में तो हम लोग रह रहे हैं किंतु अधिकारियों को बीमार पड़ रहे हैं और अपनी छुट्टियों पे जा रहे हैं, तो इसलिए भी हम लोग सोच रहे हैं कि कल भी मुकर के जा रहे हैं। कल हम लोग अनशन का 13वां दिन है तो 13वीं के रूप में इनको एक प्रदर्शन करेंगे।
आप अच्छे से भी हैं यादव राव साहब।